मैं सबसे पहले अतिक्रमण का स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ और अपने अधिकारियों का भी सब नमन करता हूँ और अपने बांधी भाई को नमन करता हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सर ने बहुत अच्छा बात बताई हम लोगों को, लेकिन पहले सबसे पहला पॉइंट हम ये बताते हैं कि संबंध और सुविधा में संबंध हमारे लिए सबसे जरूरी है, सुविधा जरूरी नहीं है, संबंध जरूरी है। सर ने उदाहरण में दिए थे काफ़ी सारे हमको कि एक माता जी क्लास में गई थी तो उनके दो बच्चे थे खेल रहे थे, तो जब वो क्लास करके आई और फिर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, फिर उन्होंने बैट बॉल खेल रही थी तो वो ग्लास टूट गया, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि कोई बात नहीं, आपकी चोट तो नहीं लगी है, ग्लास तो फिर से आ जाएगा, कांच तो मतलब सुविधा फिर तो अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन आप तो सही हैं, आपके शरीर में कोई चोट तो नहीं लगी है। इन चीज़ों को हमने सीखा, बहुत अच्छा हमें लगा। और दूसरी बात है हमने सही सम्मान, सही आकलन, मतलब जो हमसे अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे योग्यता में ज़्यादा हैं, उनको हमें उनसे हमें सीखना चाहिए, और जो हमसे मतलब हमसे कम पढ़े हैं, योग्यता में कम है, उनसे सीखना, मतलब उनको उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनको सही सही राह दिखानी चाहिए, उनको उनका मतलब किसी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए हमको। और सर ने यह भी बताया था कि शरीर और बॉडी, मतलब स्वयं और बॉडी के बारे में भी बताया काफ़ी कुछ। तो शरीर का काम है कपड़ा, मकान और रोटी, और लेकिन सम्मान को और स्वयं का काम है सम्मान। सम्मान की कोई राशि नहीं है, वो तो हमारी एक किलो दो किलो मिलती नहीं है, लेकिन जो कपड़ा मकान है उसकी एक ज़रूरत है कि एक मकान से हमारा काम कल चल जाएगा, लेकिन सम्मान हमें निरंतर चाहिए और कपड़ा मकान हमें समय समय पर चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ बात बताई हमको सर ने, हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, और ये मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपने परिवार के बच्चों को भी ये सब ज्ञान दूंगा और आगे चल के उनकी बुद्धि को सत्कार्यों में प्रेरित करूँगा। और सर ने ये भी बताया था कि जो हमारा बच्चा है अनसुना अनुकरण, मतलब जो हम करते हैं वही तो वो बच्चा हमारा करता है, अगर हम गलत काम करते हैं तो वो गलत सीखता है और अच्छा काम करते हैं तो अच्छा सीखता है। तो हमें अपने परिवार को सही करने के लिए हमें अच्छे अच्छे कार्यों को करना चाहिए, उन बच्चों के सामने गलत कार्यों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जिससे कि उन पर गलत असर पड़े। धन्यवाद।